हेलो एंड वेलकम टू ऑल पाथ आईएएस की यूट्यूब चैनल में मैं ओहराज चक्रधारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 7। अभी तक आपने देखा है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हमने बहुत अच्छे से कंप्यूटर के एमसीक्यूज देखे हैं। अब जो पार्ट 7 होने वाला है वो टोटल आप देखेंगे, इसमें से मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले आगामी हॉस्टल वार्डन भर्ती और व्यापम के और भी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं हम हमारे पार्ट 7 की ओर। पहला क्वेश्चन है, वीजीए का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज वीजीए स्टैंड्स फॉर? वीडियोग्राफिक अडैप्टर, वीडियोग्राफिक एरे, वीडियो गेम अवार्ड या फिर वीडियोग्राफिक एक्सेलरेटर। ठीक है, जल्दी से देखिए वीजीए का अर्थ होता ही क्या है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए एक बार और जल्दी से राइट मार्क कीजिए आंसर्स। जी हाँ, इसका राइट आंसर है वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है, वीडियोग्राफिक एरे जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं वीजीए, मतलब एक तरीके से परिवर्णी शब्द मान लीजिए, मतलब जो एक्रोनिम्स बनाते हैं ना वैसा कुछ है। और वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे। अब देखो वीजीए का उपयोग जो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पोर्ट होता है जिससे हम कंप्यूटर के मॉनिटर और कंप्यूटर का जो पोर्ट होता है जो कनेक्शन वो कनेक्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये होता है वीजीए से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट। मतलब जनरली आप मॉनिटर्स या फिर प्रोजेक्टर को इसी तरीके के वीजीए पोर्ट से कनेक्ट करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पिंस बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स? ऑप्शन है आपके पास मल्टीमीडिया फाइलों को चलाने के लिए, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया सामग्री को बनाने के लिए, या ऑप्शन सी मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए, या फिर मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए। टू प्ले मल्टीमीडिया फाइल, टू क्रिएट मल्टीमीडिया कंटेंट, टू स्टोर मल्टीमीडिया फाइल्स और टू कंप्रेस मल्टीमीडिया फाइल्स। जल्दी से देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का मतलब होता है कि हम किस तरीके से मल्टीमीडिया के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी सामग्री होगी मल्टीमीडिया का जो कंटेंट बनाते हैं ना, वो किस तरीके से हम बना सकते हैं ये बताता है हमको मल्टीमीडिया के जो अथॉरिंग टूल्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो आप एडिट कर सकते हो, उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके के जितने प्रेजेंटेशन हैं मल्टीमीडिया में, चाहे वो ऑडियो हो, विजुअल हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स में जब आप मल्टीमीडिया के द्वारा चीज़ों को निष्पादित करते हैं तो आप उपयोगकर्ता के पास एक होता है जब वो इंटरैक्टिव कंट्रोल्स टूल्स को यूज करता है। मतलब उसको जो कंटेंट है ना उसको बनाने में, उसको जेनरेट करने में ये काम आता है। मतलब उसको बनाने के लिए ही मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अपडेट का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of regular antivirus software update? ठीक है, मतलब आपको लगातार, मतलब एक समय के अंतराल के दौरान आपको जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट क्यों करना पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं, वे कंप्यूटर के हार्डवेयर के प्रदर्शन में सुधार करते हैं। दूसरा है, वे इंटरनेट कनेक्शन की गति को बढ़ा देते हैं। तीसरा है, वे सॉफ्टवेयर के लिए नई सुविधाओं को प्रदान करते हैं। या चौथा, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। ठीक है, दे इंप्रूव द कंप्यूटर्स हार्डवेयर परफॉर्मेंस, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस, दे प्रोवाइड न्यू फीचर्स फॉर द सॉफ्टवेयर, और चौथा है, दे इंश्योर द एंटीवायरस कैन डिटेक्ट द लेटेस्ट थ्रेट। तो कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन है, जल्दी ऑप्शंस लगाइए, टिक कीजिए। जी हाँ, जिन जिन लोगों ने अगर सही आंसर गेस कर लिया है तो वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलर इंटरवल में अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो आने वाले जो फ्यूचर में जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी नए नए एंटीवायरस जनरेट होते हैं, उन सब का वो रोकथाम करने में सहायक होता है और आपको कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को ऐसे खतरों से वो बचा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपको अपडेट करते रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करता है कि नवीनतम खतरों से आपके डिवाइस को सुरक्षित करके रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पार्ट बनाने के लिए किस प्रकार की फिक्स सामग्री का उपयोग करता है? What types of material does the laser printer use to create image and text on paper? ठीक है, ऑप्शन से आपके पास तरल स्याही का यूज करता है,
दूसरा ऑप्शन है टोनर का यूज करता है, तीसरा है रंग द्रव्य, या चौथा है मोम का। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से जिन्होंने मेरे प्रिंटर का लेक्चर देखा हुआ है उनको तो बिल्कुल तुरंत बनना चाहिए। जी हाँ, राइट आंसर इज टोनर। जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स में जाके इस तरीके का एक कार्टिजेस लगाते हैं, कार्टिजेस के अंदर क्या बन जाता है, टोनर। टोनर क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में काला कलर का क्या होता है, एक मतलब काला कलर का महीन चूर्ण होता है, ठीक है, काला कलर का एक महीन चूर्ण होता है जो इस प्रकार के कार्टिजेस में भरा जाता है। अब वो कार्टिजेस में जब जाता है तो वो क्या करेगा, जब भी लेजर प्रिंटर को जरूरत होगी तो वो ड्रम में चिपकता रहेगा। मतलब लेजर क्या करता है, उसको गर्म करता है कागज को, और टोनर उस जगह पे जाके पिघल के चिपक जाता है, ठीक है। तो ये होता है भाई लेजर प्रिंटर में स्याही के कणों को सूक्ष्म, मतलब जो महीन चूर्ण के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है टोनर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उबंटू फेडोरा डेबियन किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ठीक है। उबंटू फेडोरा एंड डेबियन इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन, ऑप्शन है आपके पास विंडोज, मैकओएस, लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए। जी हाँ, वेरी गुड, लिनक्स के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो ये जो उबंटू फेडोरा जो होते हैं ना, ये उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, ओपन सूज हो गया, फेडोरा, डेबियन और सेंटोएस, ये सब किसके, लिनक्स के ही एग्जाम्पल हैं, एक तरीके लिनक्स बेस्ड ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी स्टोरेज की तकनीक विकसित की है, ठीक है। विच कंपनी डेवलप्स द कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज टेक्नोलॉजी, आपके ऑप्शंस हैं आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सोनी, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए भाई ऑप्शंस क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी, वैसे तो बहुत सारी कंपनियों ने सीडी बनाना चालू किया होगा, बट सबसे पहले जो सीडी का निर्माण है वो कौन सी कंपनी ने किया था वो आपको गेस करना है। वेरी गुड, जिन्होंने बताया वो सोनी। सोनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी को बनाया था, लगभग 1970 या 75 के आसपास इस तरीके की टेक्नोलॉजी को आने का मतलब जनरेशन का मौका मिला और धीरे धीरे करके ये पूरा छा गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंट आउट लेने से पहले किसी दस्तावेज को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड टू व्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास इंसर्ट टेबल का उपयोग करते हैं, या पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर, या प्रिंट प्रीव्यू। मतलब आप जैसे भी कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, या और भी अगर एक्सेल शीट को आप अगर प्रिंट करने के पहले कौन से ऑप्शन से आप उसको दस्तावेज को प्रिंट करने के पहले देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रिंटिंग आ रहा है, मतलब जो कागज में सेटिंग होती है ना चारों ओर की, कितना एज छूट रहा है, कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो ये कहाँ पे आप कौन से ऑप्शन से देख सकते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने गैस किया है प्रिंट पूर्वावलोकन या फिर प्रिंट प्रीव्यू से ही आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से देखे प्रिंट करने से पहले ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रिंटर का मतलब हमारा प्रिंटिंग होने वाला है, हमारे डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग होने वाला है, ठीक है। तो पूर्वावलोकन या फिर प्रिंट प्रीव्यू इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक्सेल में डैश में एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है, इन एक्सेल डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट, मतलब एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना एमएस एक्सेल का, उसमें कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पे जो हम वर्कशीट काम करते हैं वहां पे एक से अधिक वर्कशीट दिखाई देती है, ठीक है ना, ये पूछने का मतलब ये है। तो ऑप्शन से आपके पास टेम्पलेट, वर्कबुक, एक्टिव सेल या लेबल, जल्दी से ऑप्शन देखिए जी, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक्सेल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। यस, इसका मतलब हो जाएगा राइट आंसर इज वर्कबुक, जो हमारा वर्कबुक होता है वहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो शीट्स होती हैं, शीट वन, शीट टू, तो यहाँ पे हमारी शीट्स इंडिकेट होती रहती हैं, ठीक है ना, एक और एक से अधिक यहाँ पे शीट्स दिखाई दे सकती हैं। अब जिस भी में आप काम करोगे, मतलब जिस सेल में या जिस शीट में जो काम करोगे आप, वहां पे वो उस समय ऐसे हाईलाइटेड रहेगी या ग्रीन कलर में दिखाई देना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अलग अलग वर्कबुक है उसमें अलग अलग वर्कशीट को मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में कंट्रोल P
प्लस 9 दबाने पर क्या होता है, ठीक है, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस 9 इन एक्सेल डैश व्हाट हैपेंस, आपके ऑप्शंस हैं प्रिंट 9 दिखाएगा वहां पे, या रिक्त स्थान के बाद 9 प्रिंट कर देगा, या तीसरा ऑप्शन है वर्तमान स्थान पर 9 सेल सम्मिलित कर देगा, या वर्तमान पंक्ति को ही छुपा देगा, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं अंग्रेजी में, पॉइंट 9 या फिर प्रिंट 9 फॉलोड बाय स्पेसेस, या इंसर्ट 9 सेल एट द करंट लोकेशन, और हाइड द करंट रो, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं होगा अभी तक। जी हाँ बताइए बताइए बताइए, चलो किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है चलो। ऑप्शन डी, जब भी हम एक्सेल शीट में किसी भी सेल पे जाके कंट्रोल प्लस 9 जब प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जितना भी रो रहेगा रो का पूरा डेटा क्या होगा, पूरा का पूरा एंटायर रो ही हाइड हो जाएगा, मतलब छुपा दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब उस पर्टिकुलर रो में जितने भी डेटा होंगे वो सब ब्लैंक आउट हो जाएंगे या छुप जाएंगे, वर्तमान पंक्ति पूरी की पूरी छुप जाएगी, ठीक है। तो ये होता है भाई कंट्रोल प्लस 9 प्रेस करने का नतीजा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब आप दाएं माउस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू क्लिक द राइट माउस बटन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बाएं क्लिक के समान प्रभाव दिखता है, मतलब जब हम माउस प्रेस करते हैं ना, बाएं या दाएं प्रेस करें एक ही जैसा प्रभाव दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है एक विशेष मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, या तीसरा है कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं ऑप्शंस, द सेम इफेक्ट एज द लेफ्ट क्लिक, ऑप्शन बी इज अ स्पेशल मेन्यू, और ऑप्शन सी है नो इफेक्ट, ऑप्शन डी है कंप्यूटर गोज टू स्लीप मोड। जल्दी से ऑप्शंस सेलेक्ट कीजिए, ये तो एकदम कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन है, कोई भी अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो उसको तो इतना तो नॉलेज होगा ही होगा। यस, एक विशेष मेन्यू खुल जाता है, देखो जब भी आप राइट क्लिक करोगे तो इस तरीके का पूरा एक मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें आप कट कॉपी पेस्ट फॉन्ट बुलेट्स नंबरिंग स्टाइल ट्रांसलेट ये सब चीजें पे कर सकते हो, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करके उसको फिर से क्लिक करोगे तो उसमें और भी ज्यादा ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो किसी आइटम के चयन करने के बाद अगर हम दाएं बटन को दबाते हैं माउस में, तो आमतौर पर वो कॉपी पेस्ट और इस तरीके की बहुत सारी डेटाओं को प्रचारित करने का क्या करेगा, आपको मौका दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सहायता मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, ऑन विच बटन इज द हेल्प मेन्यू अवेलेबल, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास एंड स्टार्ट टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। ध्यान से देखिए भाई, मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक डाला हूं, आपको समझना पड़ेगा मैं पूछ के आ रहा हूं। मेरे को पूछने का ये तात्पर्य है कि सहायता मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है, मतलब ऑन विच बटन इज द हेल्प मेन्यू अवेलेबल, एंड बटन पे होता है क्या, या स्टार्ट बटन पे होता है क्या, टर्न ऑफ करने पे होता है क्या, या रीस्टार्ट करने पे, कहाँ पे आपको हेल्प मेन्यू शोकेस होता रहता है। जी हाँ, जिन्होंने भी अगर कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसको अच्छे से स्टडी किया होगा, उनको पता होगा कि जब भी हम स्टार्ट मेन्यू अगर वो करते हैं प्रेस करते हैं तो अब हमको क्या होता है, इस तरीके का हेल्प मेन्यू खुल जाता है, जहाँ पे हम वेरियस डॉक्यूमेंट को और हमारे कंप्यूटर के जो इंटरनल सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सहायता मेन्यू स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है बिल्कुल, और सहायता मेन्यू का उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर के किसी संदेह होने पर अगर कंप्यूटर से मदद मांगना है, मतलब आपको अगर कंट्रोल पैनल में जाना है, कंप्यूटर में जाना है और अदर सेटिंग्स में जाना है, तो ये जो सहायता बटन है ना वो स्टार्ट मेन्यू को खोलते ही आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हेल्प और सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित ही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। ऑप्शंस देख लेते हैं, लिंक फंक्शन की ब्राउजर और सर्च इंजन। इसको तो जल्दी से कीजिए भाई, आज की जनरेशन ये क्वेश्चन तो एकदम सुपर फास्ट तरीके से बनानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस देखो, लिंक फंक्शन की ब्राउजर और सर्च इंजन, मैंने पूछा है कि कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित है ही नहीं, ठीक है जल्दी देखो। जी हाँ वेरी गुड, फंक्शन की जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है, वो किससे संबंधित है, वो है हमारा हार्डवेयर से संबंधित, ठीक है। हार्डवेयर जो फंक्शन की होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे
पैड में देखने को मिलेगी यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे करके F1 से लेके F12 तक आपको फंक्शन कुंजी दिखाई देगी। तो इसका उपयोग हम अपने सिस्टम में अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं भाई। फंक्शन कुंजी मतलब कीबोर्ड में ही भी मिलेगी हमको, ठीक है। लेकिन अगर इसका इंटरनेट के संबंधित उपयोग बोले तो नहीं हो, लेकिन अन्य अदर विकल्प, अगर विकल्प की बात करूं, लिंक, लिंक का मतलब जो होता है ना HTTP, फिर वो बहुत सारा लंबा रहता है, ये इंटरनेट में होता है भाई, ब्राउजर में होता है, ब्राउजर खुद जरूरी है, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनेट से रिलेटेड चीजें में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ऑप्शन है आपके पास, पीरियड मतलब जो ऐसा डॉट साइन लगता है, ठीक है, दूसरा है एट द रेट जिसको एट साइन बोलते हैं, तीसरा है स्पेस या फिर अंडरस्कोर, ठीक है। स्पेस, ये स्पेस को मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए जल्दी से देखिए, डॉट एट द रेट स्पेस और अंडरस्कोर, ऐसा कौन सा साइन है, ऐसा कौन सा सिंबल है जो आपके ईमेल एड्रेस में नहीं हो सकता है, मतलब वो अलाउ नहीं करेगा, ऐसे में ईमेल एड्रेस बनेगा ही नहीं। जल्दी 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 बताइए। वेरी गुड, स्पेस का साइन जो रहेगा ना, स्पेस मतलब किसी नाम, जैसे आपका नाम है XYZKML, तो आप यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं दोगे, जब आप अपना ईमेल आईडी बनाओगे तो क्या बनाओगे, XYZKML@gmail.com, इस तरीके से बनेगा ना। तो देखो बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता है, तो इसीलिए स्पेस को अलाउ नहीं करते हैं जब भी हम ईमेल आईडी बनाते हैं। तो देखो इस तरीके के आप जब भी बनाते हो तो विदाउट स्पेस क्या होगा, वहां पे हर चीजों को दिखाया जा सकेगा। तो एक ईमेल पते में क्या होता है भाई, एक ईमेल पते में रिक्त स्थान या फिर स्पेस का कोई जगह नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह हम डॉट अंडरस्कोर कॉमा और एट द रेट ये सब जो सिंबल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, तब जाके हमारा जो ईमेल है वो रजिस्टर होता है या फिर पंजीकृत हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। और मैंने अपने प्रीवियस वाले एमसीक्यू में बताया था कि देख एक बार फिर देखो, जो ईमेल एड्रेस होता है वो किन चीजों से मिलके बना होता है, तो भाई 4 चीजों से मिलके बना होता है। पहला तो होता है भाई जो यूजर नेम होता है, एट द रेट के पहले जितना भी चीज है वो यूजर नेम है, एट द रेट खुद एक सिंबल होता है, फिर यहां से यहां तक जो रहता है वो मेन सर्वर होता है, जैसे गूगल, गूगल क्या हो गया सर्वर, फिर होता है डॉट, फिर उसके बाद उसका डोमेन .com, तो पूरा का पूरा ये मेल सर्वर या डोमेन एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईमेल की रचना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो कंप्यूटर के बीच संचार के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। ऑप्शन से आपके पास, संचार सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, संचार हार्डवेयर या उपरोक्त सभी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर और ऑल ऑफ दी अबोव। जल्दी से ऑप्शंस देखो और बताओ कि भाई दो कंप्यूटर के बीच में आपको अगर संचार स्थापित करना है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबोव, सभी के सभी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संचार सॉफ्टवेयर जब तक आपके पास नहीं है तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। दूसरा चीज, आपके पास हार्डवेयर होने चाहिए जो डेटा को ट्रांसमिट कर सके, और तीसरा चीज एक प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा आपस में एक दूसरे कंप्यूटर में जा सके, ठीक है। ये वाला मैंने कम्युनिकेशन वाला एक बार और पूछा था, आप देख लीजिएगा, 5 या 3 या 4 पार्ट में पूछा था, वहां पे आप देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 में होगा, वहां पे मैंने पूरा बताया था कि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वहां पे यूज होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल्स भी समझ लेना और साथ ही साथ दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है। तो अभी के लिए ये याद रखो कि अगर किसी दो कंप्यूटर को अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो पहला क्या चीज चाहिए, हार्डवेयर कम्युनिकेशन, दूसरा सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन और तीसरा चाहिए होगा आपको प्रोटोकॉल, जिसके बिहाफ पे ही वो जाके एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोडेम एक टेलीफोन लाइन और डैश के बीच में जुड़ा होता है। अ मोडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ डैश। तो भाई एक मोडेम जो होता है ना, वो जो घर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोग जो लगाते हैं, जहां से वो कनेक्शन आता है, तो वो किसके किसके बीच में जुड़ा होता है भाई।
तो मोडेम की बात कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन और किसके बीच में होता है, तो ऑप्शन से आपके पास नेटवर्क, कंप्यूटर, संचार एडाप्टर या सीरियल पोर्ट। नेटवर्क, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एडाप्टर और सीरियल पोर्ट। जल्दी से देखिए, और जिन्होंने भी कम्युनिकेशन वाले लेक्चर को अटेंड किया है उनको पता होगा कि बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। वेरी गुड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीरियल पोर्ट से जुड़ेगा ना, ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल बस, ये सब होता है ना, बहुत सारा वीजीए पोर्ट, ये सब पोर्ट्स होते हैं ना, वहां पे आपको वेरियस टाइप के केबल्स को लगाना पड़ता है। तो जो मोडेम होता है वो एक तरीके का हार्डवेयर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वहां से लाता है, ठीक है। अब वो कंप्यूटर से जुड़ेगा एक उसका पार्ट इस तरीके से, और दूसरा जो पार्ट होगा वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो मोडेम एक टेलीफोन लाइन और सीरियल पोर्ट के बीच में जुड़ा होता है, ठीक है ना। मोडेम इज कनेक्टेड बिटवीन द टेलीफोन लाइन एंड द सीरियल पोर्ट, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा स्वतंत्रता से को सॉरी डेटा स्वतंत्रता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, डेटा मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है, डेटा हाइडिंग के नाम के से जाना जाता है, या डेटा कैप्चरिंग के नाम से जाना जाता है, या डेटा कंसिस्टेंसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंसी इज इन डीबीएमएस इज नोन एज डेटा मॉडलिंग, डेटा हाइडिंग, डेटा कैप्चरिंग और डेटा कंसिस्टेंसी। तो देखो, डीबीएमएस एक ऐसा तरीका है जिसपे आप अपने डेटा को मैनेज करते हो वेरियस क्लाउड्स के थ्रू या वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू, आप अपने डेटा को सॉर्ट आउट करते हो और एक मतलब मीनिंगफुल चीज़ों में कन्वर्ट करते हो। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, जो डेटा की इंडिपेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। क्या बोलते हैं, डेटा मॉडलिंग। तो देखो, डेटा मॉडलिंग में क्या होता है, डेटा के जो बिंदुओं होती है या संरचना के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, ठीक है। तो अगर आपको सपोज डीबीएमएस अगर थोड़ा सा मालूम होगा तो आप अलग अलग डेटा को अलग अलग तरीकों से इस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टर्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। जो उसके कैरेक्टर्स रहेंगे, जो उसके फंक्शंस रहेंगे, उस तरीके से डेटा आप वहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप कुछ फोटो रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वीडियोस रख सकते हो, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ, इस तरीके से सिमिलर सिमिलर चीज़ें वाली डेटा को अलग अलग सॉर्ट आउट करके रख सकते हो। इस तरह का जो सिस्टम होता है जहाँ पे हम डेटा को अलग अलग तरीकों से अलग अलग फाइल फोल्डर्स में रखते हैं और जमा के रखते हैं, मतलब उनको क्या बोल देंगे हम, डेटा मॉडलिंग बोल देंगे। हम डेटा को एक चैनलाइज कर रहे हैं अलग अलग उनकी प्रवृत्ति या उद्देश्य के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन है 128, 128, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 256 और ऑप्शन डी है 512, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने किलोबाइट से, हाउ मैनी 1 मेगाबाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी किलोबाइट्स, ठीक है। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट से बनता है, जल्दी बताओ, एकदम इजी है ये, ठीक है। जिन लोगों ने भी आंसर गैस किया, वेरी गुड, 1024 मेगाबाइट से बनता है भाई, सॉरी किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो 1 मेगाबाइट कितने से बन रहा है, 1024 किलोबाइट से बन रहा है, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट इज मेड अप ऑफ 1024 किलोबाइट्स। आप एक बार फिर से ये टेबल देख सकते हो, ये मैंने टेबल पहले भी आपको बताया हुआ है। 1 बिट कितना होता है, निबल्स के बराबर होता है, और 1 बाइट क्या होता है, 8 बिट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितना होता है, 1024 बाइट्स के बराबर, और 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट्स के बराबर। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट होता है 1.024 TB या फिर TB, इसके बराबर GB के बराबर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको फिर से एक बार रटना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये किस हो जाएगा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर, वाणिज्यिक मालिकाना या ओपन सोर्स। लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, कॉमर्शियल प्रोप्राइटरी या ओपन सोर्स। जल्दी से देखो, लाइनेक्स क्या होता है, लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो बहुत तरीके का होता है, जिसमें 4 टाइप्स दिए हुए हैं। शेयरवेयर क्या होता है,
आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो उसकी जो मालिकाना हक होता है। कमर्शियल क्या होता है, जो एक वाणिज्यिक फर्म होता है ना, वो अपने बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए एक सर्वर को खरीद लेता है। प्रोप्रायरिटी मतलब आपका जो पीसी में होता है ना, आपके नाम पे रजिस्टर होगा, आपके पास ही पासवर्ड होगा। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसको कहीं भी एक तरीके से यूज कर सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइनेक्स किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, राइट आंसर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे डी कर लीजिए, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लाइनेक्स जो है क्या है, वो एक तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम के हार्डवेयर और संसाधनों मेमोरी से सीधे प्रबंधित नहीं करता है, मतलब वो डायरेक्टली आपके जो स्टोरेज है, मेमोरी है, सीपीयू, उसको डायरेक्टली मतलब क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से उसको प्रतिबंधित नहीं करेगा। वो डायरेक्ट क्या करेगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, किसी दूसरे को भी दे सकते हो। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो लिनक्स क्या है भाई, सीधी सीधी बात, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप उसकी कोडिंग को भी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। व्यक्तिगत बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग में की जाने वाली सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत प्रतिलिपि को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टेड ऑफ पर्सनल बैकअप एज कॉल्ड। मतलब पूछ यहाँ पे ये रहे कि आप किसी चीज को अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज कर रहे हो, उपयोग में ला रहे हो, किसको, सॉफ्टवेयर को, और उसकी कोई किसी ने अनाधिकृत प्रतिलिपि मतलब उसका कॉपी बना लिया, पर्सनल बैकअप बना लिया, तो इस तरीके की कृत्य को, इस तरीके के जो कर्म को हम क्या बोलेंगे, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास, प्रोग्राम की चोरी करना चाह रहा है क्या, नहीं। दूसरा है डेटा छीनना चाह रहा है क्या, तीसरा है सॉफ्टवेयर की चोरी करना चाह रहा है क्या, या चौथा है प्रोग्राम को लूटना चाह रहा है क्या, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, प्रोग्राम थीवरी है क्या ये, या फिर डेटा स्नैचिंग है, सॉफ्टवेयर पायरेसी है, या प्रोग्राम लूटिंग है। तो इस तरीके के चीजों के लिए या कृत्य के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, मैं बता देता हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन गैस तो कर लिए होंगे बहुत लोग। वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर की चोरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द राइट आंसर। मतलब किसी के कंप्यूटर प्रोग्राम की जो अनाधिकृत नकल होती है, या उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर आप मतलब चोरी कर रहे हो, उसके कोड्स को चुरा ले रहे हो, उसके स्ट्रक्चर को चुरा रहे हो, या उसके जो लॉजिक्स बनाया गया है उसको चुरा ले रहे हो, तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की चोरी या सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इस तरीके की जो अवैध प्रतिलिपि बनाना है वो गैर कानूनी है। अगर जो प्रोपराइटर होगा या जो मालिक होगा, वो अगर इस तरीके की हरकतें देखा और उसको लगा कि ये मेरे सॉफ्टवेयर की नकल है, या कॉपी कर लिया है, या मेरे सोर्स से ही इसने सब कोडिंग को उठा लिया है, तो वो अगर उसने रजिस्टर किया होगा तो जाके वो उसको कैंसिल करवा सकता है, या उसके ऊपर लीगल केस चलवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अनाधिकृत जो सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि या चोरी हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोल देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है। पहला बूट सेक्टर वायरस है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरसेस। मैंने बूट सेक्टर वायरस बताया था ना, बहुत सारे वायरस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं, ठीक। तो उसी में से एक है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस, पहला बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर की दुनिया में कौन सा था, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। आपके नाम ऐसे हैं, कंप्यूटेड, माइंड, ब्रेन, या फिर एल कॉलनर, क्लोनर, ठीक है, एल क्लोनर। यहाँ पे चार ऑप्शन है, कंप्यूटेड, माइंड, ब्रेन, एल क्लोनर। तो जल्दी से देखिए ऑप्शन देखिए, पहला फर्स्ट एवर बूट सेक्टर वायरसेस। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ब्रेन। ब्रेन जो है ना, वो एक तरीके का बूट सेक्टर वायरस था। मतलब पहले पहले पहल ये आया था, मतलब कब आया था ये, 1986 में ये देखा गया था। और इसका जो संक्रमण है, ज्यादातर किससे हो रहा था भाई, देखो फ्लॉपी डिस्क से ये फैल रहा था, बाद में ये सीडी सीडी में आ गया, सीडी से फिर ये छोटे छोटे जो चिप्स है ना, और नेटवर्क के थ्रू फिर फैलना चालू कर दिया, ठीक है। तो अभी भी ये ब्रेन जो है वो एक तरीके से हम उसको बूट सेक्टर वायरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले पहल ही ये चालू हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि कोई पाकिस्तान का एक मतलब प्रोग्रामर थे, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो ब्रेन जो वायरस है वो क्या है, एक तरीके से बूट सेक्टर वायरस है, और पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को संक्रमित करते थे, ठीक है। चलिए
ओके थैंक यू। अभी के लिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही वेल डिजाइंड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं व्यापम के, उसमें बिल्कुल आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पाथ IAS Academy को। धन्यवाद।